हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ढाबे स्टाइल टाइप आलू और पनीर की सब्जी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये पनीर के कुछ क्यूब्स लिए हैं। इसमें को मैंने मैरिनेट किया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आपका थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी को देकर मैंने इसको मैरिनेट किया है, और इसे करीब आपको 1/2 आवर छोड़ना है। उसके बाद मैं इसे सेलो फ्राई करूंगी। के लिए मैंने ये ग्रिल पैन लिया है, इसमें मैं करीब 1 चम्मच आपका रिफाइंड ऑयल दूंगी। आप घी के साथ भी कर सकते हो, इसमें तेल बहुत कम लगता है। बस इसको आपको इस तरह से चारों तरफ फैला, जब ये गर्म हो जाए अब हम इसमें पनीर के पीसेस को सेलो फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरह से आपको सेलो फ्राई करना है और इसे आपको अलग रख देना है। अब आपको एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में करीब आपको 2 बड़े चम्मच आपको घी देना है। अब इसी में मैं करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल भी ऐड कर दूंगी और इन्हें आपको अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रखना है। घी और तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा का डाल दें, फिर इसी में जब ये चटकने लगे तो इसी में आप 3 से 4 बे लीफ, 4 लौंग, 4 इलायची के दाने, 1 इंच दालचीनी के डाल के इसको चटकने दें। इसी में आप 2 प्याज जो मीडियम साइज के थे उसको बिल्कुल बारीक इस तरह से काट कर उसको आपको तेल में डालना है और इसे अच्छी तरह से आपको भूनना है। जब इस तरह से हो जाए तो इसी में आपको प्याज का पेस्ट भी डालना है। ये 3 प्याज का पेस्ट है, आप प्याज का पेस्ट इसे देकर आपको इसे अच्छी तरह से भूनना है। भूनते समय इसी में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में ऐड करके इसे हम भी भूनेंगे। जब ये अदरक का कच्चापन निकल जाए तब हम इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, आप बड़े चम्मच भी दे सकते हो, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, जीरा पाउडर 1 बड़ी चम्मच और गरम मसाला पाउडर, इसे देकर हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मसाले जब इस तरह से ड्राई हो जाते हैं तो इसे जलने से बचाने के लिए आप इसमें बिल्कुल थोड़ा 1/4 कप पानी का ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। आपको इसे मसाले के कच्चेपन को दूर करने तक ही भूनना है। मैं 2 टमाटर लिए थे कच्चे टमाटर को और उसे अच्छी तरह से काट कर मैंने मिक्सी में पीस लिए थे, उसको भी हमें इसमें ऐड करके अच्छी तरह से भूनना है। इस समय आप थोड़ा पानी इसमें यूज कर सकते हैं, मैंने थोड़ा पानी गर्म पानी ऐड किया और इसे मैं टमाटर को ऐड करने के बाद हम इसे ढककर करीब 10 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारा टमाटर पक रहा है हम इधर आलू को भी थोड़ा सेलो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें आलू भी पीसेस आप दे सकते हैं। आलू के पीसेस को आपको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। आप इसे मैरिनेट भी कर सकते हो या आप सिंपली भी इसे फ्राई कर सकते हो। मैं इसे ऐसे ही सिर्फ तेल में फ्राई करूंगी। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हो या बटर भी ले सकते हो या सरसों का तेल भी ले सकते हो। तो मैं इसे अब इसमें फ्राई करूंगी। इसमें आप इसे सीजन कर सकते हैं, इसमें आप सॉल्ट दे सकते हैं या आपके मनपसंद हल्दी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्ट लूंगी ताकि वो जल्दी कुक हो जाए। इसको आपको 3/4 कुक होने तक आपको पकाना है, अलग रख देना है। हमारा टमाटर 10 मिनट के बाद पककर इस तरह से हो गया, देखिए साइड में तेल इस तरह से छोड़ने लगे हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने जो फ्राई आलू किए थे हम उसे ऐड कर देंगे और इसे हम करीब 5 मिनट तक हम इसे उसे ढक कर करीब 5 मिनट तक इसे पकाना है। आलू को देने के बाद आप इसमें स्वादानुसार नमक भी ऐड करना है। स्वादानुसार नमक देने के बाद इसमें आपको 1/4 गर्म पानी देकर आपको इसे मिक्स करना है और फिर से करीब 5 मिनट तक आपको इसे पकने के लिए रखना है। 5 मिनट्स के बाद आपको आंच को थोड़ा कम कर लेना है और इसमें आपको 1/4 कप दही के देने हैं। दही जो घर में बना हुआ दही होता है उसे आप यूज करें। करीब 1/4 कप मैंने इसमें दही का ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब गैस को आप मीडियम कर लें, करीब 3 से 4 मिनट तक आप इसको भूनें। 3-4 मिनट भूनने के बाद आप इसमें करीब 2 कप गर्म पानी को ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे आपको ढक कर करीब 10 मिनट तक आपको इसे बॉईल होने देना है। अब इसे आप इसी तरह ढक कर करीब 10 मिनट तक
पकने दें। ठीक है, करीब 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, साइड में तेल छोड़ने लगते हैं और बॉयल अच्छी तरह से आ जाती है और आलू जो है आपका कंप्लीट पक गया है। अब हम यहाँ जो हमने फ्राई किए थे सेलो फ्राई पनीर, उसके पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। इसे देखकर आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसी के साथ साथ हम इसमें कसूरी मेथी के भी देंगे। कसूरी मेथी के जो ड्राई कसूरी मेथी जो आते हैं, आप उसे थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से हाथों से इसको मसल लें और हम इसे हमारी जो ग्रेवी है उसमें हम इसे मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी को देकर आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट तक ढककर पकाना है। देखिए 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। उसके बाद आप गैस को बंद कर दें और इसे आप अपने मनपसंद राइस या मनपसंद पराठे के साथ सर्व करें। ये बहुत ही ढाबे स्टाइल जो पनीर है, पनीर की सब्जी, खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।